कहानी के शुरू से तो कभी तय नहीं कर सकते कि कहानी खत्म कहां होगी। इस कहानी की इब्तिदा महदूद और खाल खाल थी। समझो इस कहानी में कुल सरमाया जज्बे, एहसास आजादी और ज़हनी खुशहाली के अलावा सफर भी था। पर एक एक करके जज्बे मिलते गए और रास्ते आसान होते गए। कोई भी कहानी कभी खुश नहीं रह सकती, यह जज्बात का एक मदोजजर है। कामयाब तरीन कौमों की जिंदगी में बड़े बड़े मुश्किलात के दिन आते हैं। इस मुल्क की नौजवान नस्ल हमेशा कुर्बानी देती आई है। आज फिर इस नौजवान नस्ल के लिए मुश्किलात के बहुत सारे इम्तिहान और कामयाबियों के बहुत सारे दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान मेरा घर है और अपने घर की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। ऐ जवानाने वतन, कमर बस्ता रहो कि वतन अजीज की हालत ज़ार तुम ही बदलोगे। यकीन से, तालीम से, किरदार से तुम ही नकीब हो सुबह रोशन के, पाकिस्तान के ताबनाक मुस्तकबिल के। कमर बस्ता रहो ऐ जवानाने वतन। अपना कल संवारना है तो आज बदलें। हम बदलेंगे तकदीर अपनी, बदलेगा पाकिस्तान। कोई भी मुश्किल हो, कुछ भी हालात, हम हैं मुहाफिज इसकी। ये है हमारा पाकिस्तान। मुझे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल हम से है और हम हमेशा से एक जिंदा कौम है। मायूसी की गर्द छट रही है, जिसके नीचे नई मंजिलों का उजाला आसमान निकल रहा है। सब फूल है गुलदान के है, हम सारे पाकिस्तान के है। कश्मीर की वादी हो या गिलगित बल्तिस्तान की चट्टाने, सुन लो ये मलकियत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के है। ये पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ हजा को भी गुजरने की मजाल ना हो। हमारा ये सफर इंशाअल्लाह हमारी उम्मीद से शुरू होकर उम्मीद पर खत्म होगा। पाकिस्तान कायम है और पाकिस्तान रहती दुनिया तक इसी तरह कायम रहेगा। हम नौजवान असल पाकिस्तान के मुस्तकबिल को अज़्म ईमान के साथ रोशन करेंगे। मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल से डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं हूँ पाकिस्तान का मुस्तकबिल। शाबाश नौजवानों, कि तेरी मंजिल भी तू खुद है और तेरा रास्ता भी खुद। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे शहदा और पाक फौज ने अपने लहू से महफूज पाकिस्तान की बुनियाद रखी है। हम सब पर, खुसूसन जवानों पर शहदा के खून का कर्ज है कि अपनी मेहनत और लगन से इस मजबूत बुनियाद पर खुशहाल पाकिस्तान की तामीर को यकीनी बनाएं।